लेकिन अब चलते हैं सीधे न्यूज रूम और बात करते हैं एक बार फिर से आरबीआई पॉलिसी की कि क्या आउटकम्स निकल कर आ सकते हैं, कट नो कट, अगर कट होगा तो कितना क्वांटम या फिर स्टेटमेंट। मनीष मेरे सहयोगी मौजूद है। मनीष, हालांकि हर बार आरबीआई पॉलिसी में हम रेट कट होगा या नहीं इसकी इंपॉर्टेंस की ज्यादा बात करते थे, लेकिन इस बार की पॉलिसी अलग है। कट नो कट तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ही, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस बार ये है कि मिस्टर गवर्नर के स्टेटमेंट्स क्या होंगे। निश्चित रूप से दीपाली, थोड़ी देर पहले मेरी चर्चा भी कर रहे थे कि नोटबंदी के बाद अगर किसी चीज़ पे सबसे ज़्यादा सबकी नज़र थी अगले दो दिनों के बाद, तो वो थी क्रेडिट पॉलिसी। लंबा अंतराल गुजरा, करीब एक महीने का समय गुजर चुका है, चूँकि पहली बार नोटबंदी के बाद सालों बाद इतने बड़े फैसले हुए, उसके बाद पहली बार क्रेडिट पॉलिसी आ रही है, तो जी बिजनेस ने भी सोचा कि नए तरीके से थोड़ा समझने की कोशिश की जाए क्रेडिट पॉलिसी कैसा देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये चर्चा हो रही है कि 34 बेसिस पॉइंट की कटौती हो सकती है, 50 बेसिस पॉइंट की कटौती हो सकती है, कोई कटौती नहीं हो सकती है, किसी का कहना है कि मैं कटौती पर नहीं, क्या कमेंट करते हैं उस पर नज़र रखते हैं। तो ये चार बड़े पैमाने हैं जिसपे हमने ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर 25 बेसिस पॉइंट की होती है कटौती तो क्या असर हो सकता है बाजार पे, और इसीलिए हमारे चार सहयोगी जुड़े। इसके अलावा ग्राउंड जीरो यानी कि अनुराग भी मुंबई आरबीआई हेडक्वार्टर्स होंगे, उनसे भी जाने की कोशिश करेंगे वहाँ कैसी हलचल देखने को मिले। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में देखें तो एक बहुत ही एक नज़रिया निकल के आया सामने जो बहुत ही एग्रेसिव था कि कोई चेंज नहीं हो सकता है, कोई बदलाव नहीं कह सकता, और इसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं सुमित के साथ, जो ये बताने की कोशिश करेंगे अगर नो चेंज नहीं होगा तो क्यों नो चेंज होता हुआ दिखेगा, कोई बदलाव ब्याज दर कटौती में क्यों नहीं देखने को मिल सकता है। सुमित, सबसे टफ स्टांस आपने राधा मुझे दिया है। मेरा स्टांस ये है नो चेंज, मैं कोई बदलाव के साथ नहीं हूँ, मुझे लगता है आरबीआई पॉलिसी में शायद कोई बदलाव ना हो, तो पहला स्टांस मेरा है नो चेंज का। अब नो चेंज के स्टांस की वजह आपको बताते हैं। पहली वजह कि आरबीआई ऑलरेडी करीब करीब अब तक 1.75% ही कटौती कर चुका है जनवरी से लेकर अब तक, इतनी बड़ी कटौती का जो फर्दर पास ऑन हुआ है सिस्टम में वो रफली 80 से 90 बेसिस पॉइंट के आसपास का हुआ है, इंक्लूडिंग लास्ट 25 बेसिस पॉइंट कट जो कि पिछली पॉलिसी के अंदर किया गया था, वही ठीक से सिस्टम में अब तक नहीं आ पाया है। तो शायद बैंक जो है पहली कोशिश ये करेंगे कि जो सिस्टम में अब तक नहीं आया है उसको ही फर्दर पास ऑन किया जाए। हालांकि बहुत बेयरिश स्टांस है ये, क्योंकि अभी भी जो अग्रेसिव स्टांस है वो ये कहता है कि 50 बेसिस पॉइंट तक की भी कटौती हो सकती है, लेकिन फिर भी पहली चीज़ कि सिस्टम में जो अब तक लिक्विड जो अब तक पास ऑन नहीं हुआ है उसे पास ऑन होना चाहिए। दूसरा, मे भी जो लिक्विडिटी सिस्टम में बहुत ज़्यादा आई है उस सिस्टम की लिक्विडिटी को सख करने के लिए आरबीआई कुछ और जो वे है उसको इस्तेमाल करे, आरबीआई कुछ और विंडोज़ को ओपन कर सकता है, एमएसएस उनमें से एक था भी, तो सकता है ये एक दूसरी चीज़ है जो कि आरबीआई करता हुआ दिखाई पड़े। लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं है बिना बदलाव के, लेकिन हाँ फिर भी ये कह सकते हैं कि बदलाव एक एक स्टांस ये भी है कि शायद कोई बदलाव ना होता हुआ दिखाई पड़े। लेकिन मेजरली जो सबसे ज़्यादा उम्मीद है वो है 25 बेसिस पॉइंट को लेकर, क्या स्टांस है उसमें मनीष का। मनीष ने ये टॉपिक पकड़ा है, मनीष को लगता है कि 25 बेसिस पॉइंट की कटौती हो सकती है, क्या लगता है मनीष और क्यों लगता है आपको? आप देखिए, उर्जित पटेल के लिए आरबीआई का बनने के लिए बहुत मुश्किल होगा इससे क्या फैसला लेते, लेकिन मैं सबसे कंफर्ट जोन में मानता हूँ खुद को, क्योंकि अधिकांश 25 बेसिस पॉइंट की बात करें उनको लगता है कि 25 बेसिस पॉइंट की कटौती तो कहीं ना कहीं बाजार में डिस्काउंट, और ये हम समझाने की दस को कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग कटौती का पैमाना होता है तो क्या उसकी वजह हो सकती है। देखिए, 25 बेसिस पॉइंट कटौती की कुछ वजह हो सकती है। एक तो रबी की जो फसलें हैं उसकी बुआई आने शुरू हो जाएगी, उसकी बुआई की उसकी फसलें आनी शुरू होगी तो कहीं ना कहीं महंगाई पर थोड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप देखिए महंगाई में जो है गिरावट देखने को मिले, 14 महीने के निचले स्तर के आसपास महंगाई का आवार कर रहा है, GDP ग्रोथ में थोड़ी सी कमी देखने को मिली है। इसके अलावा जो तमाम बड़े ब्रोकरेज हाउसेज है, चाहे वो चाहे बड़े बैंक है, चाहे SBI हो, एक्सिस बैंक हो या सिटी बैंक हो, इन सबकी राय यही है कि ब्याज दरों में 34% की कटौती की जा सकती है, क्योंकि अभी वो 34% की कटौती करेंगे फिर फेड का फैसला आएगा, उसके बाद कुछ ना कुछ डिसाइड करेंगे, क्योंकि उनके पास एक लंबा अंतराल है, जून तक का समय है, तो वहां तक हो सकता है बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर सकते हैं। दिलचस्प यह है कि 25 बेसिस पॉइंट की बात तो आपने समझ ली या नहीं होगी उसकी समझ, लेकिन कुछ एक नजरिया ये भी है कि नहीं, 0.5% तक की भी ब्याज दरों में कटौती हो सकती है, और इस सुपर एग्रेसिव आइडिया को लेकर रजत मेरे साथ जुड़े हैं कि नहीं, 0.5% तक की कटौती हो सकती है, कई ट्रिगर्स हैं 0.5% कटौती होने की। रजत, बिल्कुल संभावना बहुत ज्यादा है। देखिए, इस बार ये जो लिक्विडिटी क्रंच है इससे निपटने की तैयारी होगी आरबीआई गवर्नर की, एमपीसी कमेटी हो सकता है कि 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती कर दे, ऐसा इस समय ज़्यादा जानकार तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि ये स्टेप उठाया जा सकता है कि रेपो रेट में 0.5% की कटौती हो जाए। तो मैं इस पक्ष पे बात करूँगा, क्योंकि देखिए जो बॉन्ड यील्ड्स हैं सबसे बड़ा इंडिकेटर, अगर आप पिछली आरबीआई पॉलिसी से लेकर अब तक की बॉन्ड यील्ड्स देखें तो 6.9% से सीधा घटकर 6.2% पे है 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है, वहां पर 50 बेसिस पॉइंट से ज्यादा का ड्रॉप है, तो उस आधार पर भी ये कैलकुलेट हुआ है बाजार पे कि हो सकता है कि 50 बेसिस पॉइंट से कटौती आरबीआई करता हुआ नजर आए। ऊपर से जो लिक्विडिटी क्रंच के बारे में बार बार बात हो रही है, देखिए शहरी इलाकों में ठीक है, वहां पर
समस्या है नो डाउट, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्रों में समस्या है और जो वहाँ पर लिक्विडिटी की जरूरत है, समय लोगों को रकम की जरूरत है, उसको बढ़ाने के लिए आरबीआई को बहुत ज़्यादा जोर देना होगा। और ये लिक्विडिटी सप्लाई तभी बढ़ेगी जब ब्याज दरों में किसी न किसी तरीके से कटौती हो। कॉर्पोरेट्स लोन लेने को अगर तैयार नहीं है तो वहाँ पर लोन ऑफटेक कैसे बढ़ाया जाए, बैंकों को कुशन कैसे प्रोवाइड किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेप आरबीआई लेगा। और एकमात्र तरीका ये है कि 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती कर दें। देखिए और भी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स है जैसे मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, सर्विसेज पीएमआई, ये पिछली आरबीआई जो पॉलिसी थी उसकी तुलना में लगातार गिरते चले जा रहे हैं। और जो मैंने बताया 10 साल के बॉन्ड यील्ड्स वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं। तो ये सभी इंडिकेटर्स इशारा दे रहे हैं कि 50 बेसिस पॉइंट्स का कट हो सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर 50 बेसिस पॉइंट कट होता है तो मनीष मार्केट पे इंपैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि 100 पॉइंट्स की रैली पकड़ जाएगा और 82-80 तक पहुंच सकता है, 82 के ऊपर ही क्लोजिंग होगी। 100 के चक्कर में तो मैं हूँ सुमित है, 50 बेसिस पॉइंट की बात कर रहे हैं तो कम से कम 200 पॉइंट तक जो है हो सकता है निफ्टी में रैली देखने को मिल सके। तो कहीं ना कहीं तीन सिनेरियो आपने समझा, 25 बेसिस पॉइंट कटौती हो तो क्या हो सकता है, अगर कोई भी कटौती नहीं होती तो क्या असर देखने को मिल सकता है, रजत ने बताया कि 50 बेसिस पॉइंट की कटौती होती तो क्या देखने को मिल सकता है। लेकिन एक नजरिया जो बहुत मजबूती के साथ उभरा है कि हमें कटौती से कोई मतलब नहीं है, आरबीआई क्या बोलता है उस पर नजर रखना होगा, क्योंकि उनके पास बहुत मौके हैं। फेड के फैसले भी आने वाले हैं, ट्रंप के भी को लेकर कुछ कई सारी चीजें आने वाली, क्योंकि राष्ट्रपति चुनने के बाद जो है पहली बार पॉलिसी आ रही है। ये डिम्पी समझने की कोशिश करते हैं, सामान्य तौर पर डिम्पी आप कहते हैं कि मैं टू द पॉइंट ही बात करने के बजाय जो कुछ एक ऐसी बातें निकालो जो हो सकता है जिस पर किसी की नज़र ना हो, और इस पर सबकी नज़र स्टेटमेंट पे क्या है आपके? बिल्कुल यही मेरा स्टांस है, यानी कि स्टेटमेंट, मैं कटौती पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा। आप कटौती कितना भी कीजिए, चाहे क्वार्टर बेसिस पे कीजिए या फिर आधा परसेंट कीजिए, लेकिन जो मेरा स्टांस है वो स्टेटमेंट पे होगा। दो तीन चार चीज़ें बड़ी अहम होंगी। पहला, एक तो डोमेस्टिक फ्रंट पे भारत किस तरह से ग्रोथ करता है नोटबंदी के बाद। 85% करेंसी थी जिसको बंद किया गया, उसके बाद पॉलिसी पहली बार आ रही है, तो ग्रोथ पे कैसा फोकस रहता है, जीडीपी, क्योंकि अभी तक जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं वो पूरी तरह से बटी हुई थी। भारत की अपनी नोडल एजेंसी आरबीआई जो पूरे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है, उसका अपना रुख जीडीपी पे क्या है, उसका अपना रुख इन्फ्लेशन पे क्या है, क्योंकि पिछले 3 साल से इन्फ्लेशन आरबीआई ने कभी नहीं छोड़ा, तो क्या 4% या उससे नीचे का इन्फ्लेशन का आंकड़ा रहता है, ये दूसरा पॉइंट होगा। और तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तरों के हिसाब से फेड जो कि एक बड़ा ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है, उससे पहले शायद मार्केट कोई बड़ा स्टांस ना ले। आरबीआई गवर्नर फेड पे क्या सोचते हैं, ये तीसरा पॉइंट होगा जिसको मैं नोटिस करना चाहूंगा। इसलिए 3 पॉइंट्स पे मेरे को लगता है ज्यादा बाजार सुनना चाहेगा बजाय नंबर्स के। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं डिम्पी ने साफ तौर पे कहा कि नंबर्स के फेड में मत पड़िए, स्टेटमेंट पर डालिए, क्योंकि स्टेटमेंट भी कई बार जो है कई चीज़ों को बदल देता है। लेकिन हम लोग लगातार न्यूज़ में से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि जो फैसले बताए से सुमित ने बताया कोई बदलाव नहीं होता, या मेरी तरफ से 25 बेसिस पॉइंट के इसका निफ्टी पे क्या असर हो सकता है, निफ्टी का क्या दायरा हो सकता है। लेकिन मेरे साथ अब अनुराग भी जुड़े हैं आरबीआई हेडक्वार्टर से, ग्राउंड जीरो से। अनुराग, जिस तरह से हमने देखा कि पॉलिसी जो है नोटबंदी के बाद पहली बार आ रही है, निश्चित रूप से आरबीआई की भी एक सोच होगी, वहां भी कई सारी हलचलें देखने को मिली है, ओवरऑल क्या निकल के आ रहा है वहां से नजरिया? जी बिल्कुल, जैसा कि इस बार पिछली बार की तरह इस बार भी जो है पॉलिसी का ऐलान जो है 2:30 बजे होगा, और उसके बाद जो आरबीआई गवर्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी पहले के मुकाबले काफ़ी छोटा उसका विंडो है, केवल 15 मिनट का ही प्रेस कॉन्फ्रेंस का विंडो है। और जिस तरह से आप लोग पूरा समझा रहे थे कि हलचल तो यही है कि कम से कम 25 बेसिस पॉइंट का तो ऐलान होना ही है, और ये पूरी तरह से फैक्टर्ड इन भी है, मार्केट में भी फैक्टर्ड इन है, लेकिन 50 बेसिस पॉइंट का भी रेट कट हो सकता है। बहुत सारे जानकार या बहुत सारी जो ब्रोकरेज हाउसेज है उनका भी मानना है 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट आज आरबीआई गवर्नर ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि डीमोनिटाइजेशन के बाद से ही बहुत सारे चैलेंजेस है, और शायद तक आज की पॉलिसी में सरकार को डिविडेंड का ऐलान का भी एक रुख साफ कर सकते हैं आरबीआई अपनी इस पॉलिसी में, और फिर उस का ऐलान होता है तो फिर जो आरबीआई अपनी जी अनुराग, तो सीधे तौर पे अनुराग बताते हुए कि कुछ एक जो है पॉलिसी में और भी तथ्यों का ऐलान होता हुआ दिखेगा। बिल्कुल मनीष, जो कंसेंसस है वो तो 25 बेसिस पॉइंट के कट का ही बन रहा है, और जैसा भी डिम्पी ने भी कहा कि इस बार कट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा स्टेटमेंट।